figure 3.33 shows a potentiometer with a cell of 2 volt and internal resistance of 0.4 ohm, maintaining a potential drop across the resistance across the wire AV. पोटेंशियोमीटर का सेटअप है, ये प्राइमरी सेल है, ये पोटेंशियोमीटर की बैटरी है 2 वोल्ट की, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.4 ओम है और ए बी के अक्रॉस वो पोटेंशियल ड्रॉप मेंटेन कर रही है। ठीक, एक स्टैंडर्ड सेल है जो अपने अक्रॉस एक कांस्टेंट ईएमएफ मेंटेन करके रखता है 1.02 वोल्ट का, लेकिन ये कांस्टेंट ईएमएफ तब मेंटेन कर पाता है जब उसमें से पास होने वाली करंट जो है वो काफ़ी कम होती है। अगर उसमें से बहुत ज़्यादा करंट अगर आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो कांस्टेंट तब रहेगा जब उसमें से जो करंट है वो वेरी मॉडरेट करंट अप टू फ्यू मिली एम्पियर अगर हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो बैलेंस पॉइंट दे रहा है कितनी लेंथ पे, 67.3 सेंटीमीटर पे। अच्छा, बहुत लो करंट कैसे इंश्योर कर रहे हैं, तो लो करंट हम इंश्योर कर रहे हैं उसके सीरीज़ में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा के, 600 किलो ओम बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाया है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ रहेगा भी तो करंट जो है वो बहुत कम फ्लो करेगी, और जब हम बैलेंस पॉइंट के करीब पहुंच रहे होते हैं तो फिर हम करंट ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुकी होती है, तो उस सर्किट इस रेजिस्टेंस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस रेजिस्टेंस को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और रेजिस्टेंस क्या हो जाता है आपका, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो जब हम बैलेंस पॉइंट से दूर हों तो ज़्यादा करंट फ्लो होने के चांसेस होंगे, तो वो चांसेस को कैसे निगलेक्ट कर रहे हैं हम, कैसे हटा रहे हैं उनको, एक हैवी रेजिस्टेंस लगा के सीरीज़ में, और जब हम बैलेंस पॉइंट के करीब पहुंच जाएंगे, जब गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन बहुत ही कम होगा, बैलेंस पॉइंट के हम करीब ही होंगे, तब इस रेजिस्टेंस की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको शॉर्ट सर्किट करके इसको हटा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे ये जो अननोन ईएमएफ की बैटरी है इसका और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट बना रहता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा करंट एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो यही पूरी प्रोसेस उन्होंने यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद फिर इस स्टैंडर्ड सेल को रिप्लेस करने हैं अननोन ईएमएफ के सेल से, और लेंथ आई है 82.3 सेंटीमीटर ऑफ वायर, और सबसे पहले पार्ट में अननोन ईएमएफ ही पूछा है, तो सिंपल सी बात है, ईएमएफ जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, यानी ई टू अपॉन ई वन इज इक्वल टू एल टू अपॉन एल वन। ई टू ईएमएफ फाइंड करना है, और ई वन कितना है, ई वन है आपका 1.02 वोल्ट, L2 लेंथ है 82.3 सेंटीमीटर और L1 है 67.3। तो ये सॉल्व कर लेना आपको ये इक्वेशन, और आपको अननोन बैटरी का ईएमएफ आपको पता लग जाएगा। दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं, व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम हैव। 600 किलो ओम रेजिस्टेंस लगाने का फायदा ये है कि अगर मान लिया बैलेंस पॉइंट नहीं भी मिल रहा है तो भी जो करंट एक्सट्रैक्ट होगी वो वेरी स्मॉल होगी, और करंट अगर स्मॉल होगी तो बैटरी के अबाउट, सेल के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रह पाएगा। सी पार्ट, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय हाई रेजिस्टेंस। जी नहीं, क्योंकि बैलेंस पॉइंट पे तो रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, और बैलेंस पॉइंट पे तो करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो होती नहीं है, तो रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाई रेजिस्टेंस होने से बैलेंस पॉइंट अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, डी पार्ट, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल। ड्राइवर सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से बैलेंस पॉइंट अफेक्ट होगा, तो इसको थोड़ा ढंग से समझना है। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या बैलेंस पॉइंट अफेक्ट होगा, तो इसको डरा ढंग से समझना आराम से। ये 2 वोल्ट की बैटरी, बहुत थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया आपने, तो इस 2 वोल्ट का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ए और बी के अक्रॉस होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लिया आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका रेजिस्टेंस मान लिया 9 ओम है। ठीक, तो 9 ओम और 1 ओम के अबाउट टोटल 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 9 ओम के अबाउट कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, और आप जिस बैटरी को आप बैलेंस कर रहे हो, मान लिया वो 4 वोल्ट की बैटरी है, तो 4 वोल्ट की बैटरी 9 ओम का रेजिस्टेंस है, 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप बैलेंस करना होगा, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये कितनी लेंथ के अक्रॉस बैलेंस होगा, तो ये पूरी लेंथ के अक्रॉस 9 वोल्ट है, मान लिया 4 वोल्ट नहीं 4.5 वोल्ट कर लेते हैं, इसको 4.5 वोल्ट कर लेते हैं, और पूरी लेंथ के अक्रॉस 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 4.5 वोल्ट बैलेंस होगा एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे। ठीक, 50 सेंटीमीटर पे एग्जैक्टली वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे
मान लिया 9 ओम लगाया है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस 9 ओम कर लिया, ठीक। और ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका भी रेजिस्टेंस कितना है, 9 ओम। जब दोनों बराबर बराबर रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल भी ये बराबर बराबर बांटेंगे, तो दोनों के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 5 5 वोल्ट हो जाएगा। इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट होगा और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट टोटल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वायर के अक्रॉस, और बैटरी है 4.5 की, तो डेफिनेटली ये जो बैलेंस करेगा वो काफ़ी एंड में जाके करेगा। तो बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंस पॉइंट इस बात पे बिल्कुल डिपेंड करेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम होता जाएगा बैलेंसिंग लेंथ भी कम होती जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो बैलेंसिंग लेंथ भी क्या होती जाएगी, आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल, बिल्कुल अफेक्ट होगा, यस। और प्रीवियस वाले का आंसर क्या था, नो। अब ई पार्ट समझना आपको, वुड द मेथड वर्क इन द अबव सिचुएशन इफ द ड्राइवर सेल ऑफ द पोटेंशियोमीटर हैज एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट। अब ड्राइवर सेल आपका 1 वोल्ट का है और जो बैलेंस कर रहे हो वो आपका 1.02 वोल्ट है, तो ये तो पूरे वायर के अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, पूरे वायर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट से कम होगा, क्योंकि 1 वोल्ट का कुछ हिस्सा तो पोटेंशियल डिफरेंस इस 0.4 ओम के अक्रॉस खर्च हो जाएगा, तो रिमेनिंग यहाँ होगा। तो पूरे ड्राइवर, पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल 1 वोल्ट से कम है, तो वो 1.02 वोल्ट के सेल को कैसे बैलेंस लेंथ प्रोवाइड करा देगा, इसका मतलब कोई भी बैलेंसिंग पॉइंट वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये मेथड काम करेगा, नहीं करेगा। वायर के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस जो होना चाहिए वो अननोन ईएमएफ की बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से थोड़ा सा तो एटलीस्ट ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपको बैलेंस पॉइंट मिल जाए। एफ, वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ, बहुत छोटे ईएमएफ अगर आपको मेजर करने हैं, बहुत छोटा अगर ईएमएफ होंगे तो बैलेंसिंग पॉइंट बहुत स्टार्टिंग में मिल जाएगा, ए के बहुत करीब मिल जाएगा, तो उससे एरर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। एरर मिनिमाइज तब होता है जब बैलेंसिंग लेंथ और टोटल लेंथ आपस में सेम ऑर्डर की हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सेटअप, हम अगर हमें फ्यू मिली वोल्ट मेज़र करना है तो हम ये जैसे मान लीजिए 10 मिली वोल्ट आपको मेज़र करना है, तो आप ये चाहोगे पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो 12 मिली वोल्ट, 15 मिली वोल्ट, 20 मिली वोल्ट, किस कुछ इस ऑर्डर का हो। तो इतना कम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सस्टेन करेंगे हम, तरीका है हमारे पास, हम क्या करेंगे पोटेंशियोमीटर की बैटरी के साथ एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस लगा देंगे और फिर ये वायर कनेक्ट करेंगे ताकि इस बैटरी का मैक्सिमम से मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस खर्च हो जाए और पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस बहुत ही कम रेजिस्टेंस, कम पोटेंशियल डिफरेंस रहे, उतने ही मिली वोल्ट रहे, उसी ऑर्डर में रहे जिस ऑर्डर में आप मेजर करना चाहते हो, उससे थोड़ा सा क्या हो, ज़्यादा हो, ताकि आपको आराम से आपको क्या मिल जाए, बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाए यहाँ पर। क्लियर?